हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड 106, अनाया और प्रतीक का आमना सामना। अब तक आपने सुना कि अनाया तीनों बच्चों के बर्थडे पार्टी में आती है और उन तीनों को स्पेशल तरह की कस्टमाइज घड़ियां गिफ्ट करती है, जिसके ऊपर निया और सिद्धार्थ को थोड़ा शक हो जाता है और सिद्धार्थ अनाया से तरह तरह के सवाल करने लगता है। अब आगे वह लोग अभी वहीं खड़े बातें कर रहे थे, तभी विक्रांत जी की आवाज सुनाई दी। विक्रांत जी ने कहा, बच्चों चलो, टाइम हो गया है, यहाँ आकर केक कट करो। उनकी बात सुनकर सब वहाँ पर चले गए, मगर अभी तो कुछ लोग आए नहीं है, क्या कोई और भी आने वाला है? विक्रांत जी ने पूछा। निया ने घड़ी में टाइम देखा, उसे लगा कि प्रतीक को उसका मैसेज मिल गया है, इसलिए वह नहीं आया। लेकिन तभी उसी टाइम कोई दरवाजे से अंदर आया, वह हाना थी। क्या मैं लेट हो गई? उसने अंदर आते हुए पूछा। उसे देखकर आशिका ने खुशी से कहा, आहाना फाइनली तुम आ गई, हम लोग केक कट करने ही वाले थे। आहाना ने उसे देखा और कहा, मैं शूटिंग खत्म करके सीधा यहाँ चली आई, मुझे गिफ्ट पिक करने का भी टाइम नहीं मिला, थोड़ी देर में जेसिका लेकर आ जाएगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस खुश हूँ कि तुम आ गई, आशिका ने कहा। आहाना ने उसके गाल खींचते हुए कहा, हाउ स्वीट ऑफ यू, आओ आओ कहकर आशिका उसका हाथ खींचकर अंदर ले आई। वही जब निया ने किसी को अंदर आते देखा तो वह थोड़ी टेंशन में हो गई थी, लेकिन आहाना को देखकर वह रिलैक्स हो गई। सिद्धार्थ जो उसके बगल में ही खड़ा था, उसने निया के रिएक्शन नोटिस कर लिए, वह धीरे से झुका और उसके कान में बोला, क्या बात है? उसकी तरफ देखकर निया ने एक आईब्रोज उठाते हुए कहा, तुम ही गैस कर लो, क्या कोई और भी आने वाला है? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ गहराई से देखते हुए पूछा। निया एक पल के लिए हैरान हो गई, सिद्धार्थ बहुत चालाक था, कुछ भी उसे छुपाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका मैसेज पढ़ने के बाद प्रतीक यहाँ नहीं आएगा। आहाना को आया हुआ देखकर विक्रांत जी को लगा कि सब आ चुके हैं, इसलिए वह फिर से तैयारियां करने लगे। तभी आदेश ने निया को देखा और पूछा, अच्छा मॉम, मुझे अभी याद आया कि आपने कहा था कि आपके एक दोस्त आ रहे हैं और आप हमें उनसे इंटरव्यूज करवाएंगी, वह दोस्त कहाँ है? आदेश की बात सुनकर सब निया को देखने लगे, मे बी कुछ हुआ होगा और अब वह नहीं आने वाला, निया ने सिंपली जवाब दिया। उसे उम्मीद थी कि प्रतीक ने उसका मैसेज जरूर पढ़ लिया होगा। ओके देन, आदेश ने कहा। किसने कहा कि मैं नहीं आने वाला? ठीक उसी वक्त सबको एक लड़के की आवाज सुनाई दी और धीरे से एक एलिगेंट फिगर वाला इंसान अंदर आया। यह आवाज सुनते ही अनाया, जो अथर्व के किसी जोक पर हंस रही थी, अचानक से जम गई। वह अपनी जगह पर सीधी खड़ी हो गई, जैसे उसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। क्या मैंने गलत सुना? यह आवाज, क्या ये वह है? यही ख्याल उसके दिमाग में चल रहा था। आवाज सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पर ब्लैक सूट में प्रतीक खड़ा था और हमेशा की तरह उसके चेहरे पर उसकी चार्मिंग स्माइल थी। मैं तुम लोगों का गिफ्ट लेने गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, किसने कहा कि मैं नहीं आने वाला? प्रतीक ने मजाक करते हुए कहा और अंदर आया। उसने सीधा तीनों बच्चों को देखा और खुद को इंटरव्यूज करते हुए कहा, हेलो बॉयज एंड गर्ल, मेरा नाम प्रतीक है, मैं तुम्हारी मॉम का पिछले 10 सालों से दोस्तों, मैं तुम लोगों से मिलने का कितना इंतजार कर रहा था और आज आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। प्रतीक का अपीयरेंस काफी कुछ लड़कियों जैसा था, उसकी लाल हॉट सफेद स्किन वह अच्छा लगता था, लेकिन उसकी स्किन बिल्कुल लड़कियों की तरह मुलायम और आंखें बड़ी बड़ी थी। आशिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हो। उसकी बात सुनकर प्रतीक एक पल के लिए हैरान हो गया, भले ही उसे खुद की तारीफ सुनना पसंद था, लेकिन ब्यूटीफुल की जगह अगर आशिका उसे हैंडसम कहती तो वह खुश होता, लेकिन इतने सालों में उसे आदत पड़ गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, मगर तुम मुझे ब्यूटीफुल की जगह हैंडसम कहोगी तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। आप हैंडसम भी हो, आप हैंडसम और ब्यूटीफुल दोनों हो, आशिका ने मुस्कुराकर कहा। आशिका की मीठी बातें किसी का भी दिल जीत सकती थी। प्रतीक ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, थैंक यू, तुम अपनी मॉम से कहीं ज्यादा क्यूट और काइंड हो, उसकी तरह खड़ूस नहीं हो। प्रतीक तीनों बच्चों का कंपैरिजन निया से कर रहा था, उसे तो लगा था कि तीनों बच्चे उसी की तरह होंगे, और यह कमेंट करके उसने सरकास्टिक वे में निया को देखा, लेकिन निया ने कुछ नहीं कहा और वह अनाया की तरफ देखने लगी। प्रतीक ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और उसी दिशा में देखने लगा। उसे अब तक कोई एहसास नहीं हुआ था, मगर इतने सालों से निया का दोस्त होने के नाते वह उसकी हर एक एक्शन का मतलब समझ सकता था। उसने निया की दिशा में देखा तो वहां उसकी नजर अनाया पर पड़ी। उसी वक्त अनाया भी उस तरफ मुड़ी, जैसे ही प्रतीक ने अनाया को देखा, उसके चेहरे की स्माइल जम गई और उसकी आंखों में हैरानी के भाव दिखाई देने लगे। अनाया ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसने बहुत जोर से अपनी मुठिया बंद कर ली। उसकी आंखें गुस्सा, नफरत और आकृति से भरी हुई थी। अनाया को देखते ही प्रतीक का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा।
भले ही उसने सोचा था कि वह उसे देखकर शांत रहेगा और ऐसे दिखाएगा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त उसे लग रहा था कि उसने खुद को ओवरएस्टिमेट कर लिया था। उसने तुरंत अनाया से नजरें हटाए और निया की तरफ देखा जो आंखों में बेबसी लिए उसे देख रही थी। प्रतीक को अच्छे से पता था कि निया ने जानबूझकर नहीं किया है, यह इत्तेफाक है। दूसरी तरफ देखते हुए उसने जल्दी से कहा, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम करना है तो मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और वहां से बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिए जाने लगा। उसके इस तरह के व्यवहार से सब कंफ्यूज हो गए, लेकिन उसे जाता हुआ देखकर अनाया चिल्लाए, रुक जाओ। अनाया की आवाज सुनते ही एक सेकंड के लिए प्रतीक रुक गया, लेकिन फिर से उसने अपनी रफ्तार पकड़ी और जाने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत डरा हुआ है। मैंने कहा रुक जाओ प्रतीक, अनाया एक बार फिर चिल्लाए, लेकिन प्रतीक को देखकर लग रहा था कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। मैं समझ गई कि यह इंसान फिर से एक बार भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह भी उसकी दिशा में भागने लगी और चिल्लाई, तुम बहुत बड़े डरपोक हो प्रतीक, रुक जाओ। प्रतीक ने देखा कि अनाया भी उसके पीछे पीछे भाग रही है, तो वह और तेज भागने लगा। वह दोनों वहां से चले गए और सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यह अभी अभी हुआ क्या? आदेश ने भी कंफ्यूजन में निया की तरफ देखा और पूछा, ये हो क्या रहा है मोम, क्या आपके फ्रेंड अनाया को जानते हैं? निया नहीं जानती थी कि क्या जवाब देना है। आफ्टर ऑल ये सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थी। वह कुछ कहना चाहती थी, फिर वह रुक गई और उसने उन सब को देखकर कहा, मैं जाती हूँ, उन्हें देखकर आती हूँ। इतना कहकर वह भी उन दोनों के पीछे बाहर चली गई। निया को अकेले बाहर जाने देना सिद्धार्थ को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने भी कहा, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, आप लोग यहीं रुको। जब सिद्धार्थ वहाँ से चला गया तो आदेश, अथर्व और आशिका ने एक दूसरे को देखा। वह तीनों हमेशा एक दूसरे की आंखों से ही बातें कर लेते थे। वही जब निया बाहर पहुंची तो प्रतीक और अनाया दोनों में से कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आसपास देखा लेकिन उन दोनों में से कोई भी वहां नहीं था। तब उसने अपना फोन निकाला और प्रतीक को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। उसी वक्त सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गया और उसने पूछा, क्या यही वह बात थी जिसकी वजह से तुम परेशान हो रही थी? उसकी बात सुनकर निया ने सर उठाकर उसे देखा और उसकी बात को नकारा नहीं। जब सिद्धार्थ ने देखा कि निया उसे कोई बात एक्सप्लेन नहीं करने वाली, तो उसने कहा, उन्हें अपना मामला खुद सुझाने दो, उन दोनों का इस तरह से एक दूसरे का मिलना किस्मत था ना। उसकी बात सुनकर निया भी उसे देखने लगी। सिद्धार्थ की बात बिल्कुल सही थी, निया और सिद्धार्थ का 6 साल बाद पहली बार मिलना भी इत्तेफाक था। उसकी बात सुनकर और वह सोचकर वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। हमें वापस चलना चाहिए, तीनों बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें केक कट करना है। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और वापस जाने लगा। जब वह लोग अंदर जा रहे थे तभी उनके सामने से बहुत सारे लंबे और मस्कुलर फॉरेनर मैन आते हुए दिखाई दिए। उन सभी ने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, वह स्पेशल नहीं थे, लेकिन जब वह लोग निया के पास से गुजरे तो निया ने अचानक से यह नोटिस किया कि उन सभी आदमियों के हाथ पर एक टैटू था। ये देखते ही वह रुक गई। अगर निया को ठीक से याद था तो यह वही टैटू था जो उसके पापा के हाथ पर भी हुआ करता था। निया को रुका हुआ देखकर सिद्धार्थ उसकी तरफ मुड़ा और उसने पूछा, क्या हुआ? निया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पीछे मुड़कर तेजी से बाहर की तरफ उन आदमियों को ढूंढने निकली। निया, सिद्धार्थ पीछे से चिल्लाया, वह बता सकता था कि कुछ तो गलत है। वह जल्दी जल्दी निया के पीछे जाने लगा। निया ने हील्स पहनी हुई थी जिसकी वजह से उसे भागने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी हील्स उतारी और नंगे पैर बाहर भागने लगी। एक कार एंट्रेंस पर खड़ी थी, जब वह वहां पहुंची तो 3-4 आदमी पहले ही गाड़ी में बैठ गए थे और आखिरी इंसान बैठने वाला था, लेकिन वह बैठ पाता उससे पहले निया ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी पूरी तरह हैरान हो गया और उसने सर घुमाकर पीछे उसकी तरफ देखा। कार में बैठे और आदमी भी निया की तरफ देखने लगे। मिस, क्या आपको कुछ चाहिए? उस आदमी ने इंग्लिश में पूछा। निया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह उसकी हाथ पर कुछ ढूंढने लगी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि निया उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह किसी खूबसूरत लड़की को जानता हो, वह भी इस देश में, ये तो इम्पॉसिबल था। उसने एक स्माइल के साथ पूछा, क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है? लेकिन आई एम सॉरी, मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। अच्छा होगा कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, हम किसी और दिन या फिर रात को मिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर गाड़ी में बैठे बाकी आदमी भी हंसने लगे। ठीक उसी वक्त निया ने उसके हाथ पर वह टैटू देखा और वह हैरान हो गई। ये टैटू बिल्कुल उसके डैड के टैटू की तरह ही था, पर इसमें थोड़ा चेंज था। उनकी हंसी को इग्नोर करते हुए निया ने सर उठाया और पूछा, कौन हो तुम? आपको पता भी नहीं मैं कौन हूँ?
फिर भी आप मुझसे फ्लर्ट कर रही हो, उस आदमी ने कहा। निया ने एक बार फिर डायरेक्टली सवाल किया, इस टैटू का मतलब क्या है? जैसे ही निया ने उस टैटू का जिक्र किया, उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से सीरियस हो गए। तुम ये टैटू पहचानती हो? उस आदमी ने उसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा। अचानक से ही उस आदमी के शरीर से एक डेंजरस ऑरा निकलने लगा था। मुझे अभी बताओ कि इस टैटू का मतलब क्या है? उस आदमी के डेंजरस ऑरा के बावजूद भी निया की आंखों में थोड़ा सा भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा प्राइस चुकाना होगा। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ अपनी कमर के पीछे ले गया। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ उस आदमी और निया के बीच आकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ को देखते ही उस आदमी की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, लगता है कि एक और है जो मरना चाहता है। सिद्धार्थ ने कहा, तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन मरने वाला है। वह फॉरेनर आदमी अपनी कमर से गन निकालने ही वाला था, तभी गाड़ी में बैठे एक इंसान ने उसका नाम पुकारा और एक और फिर अपने डीप वॉइस में कहा, यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी मत करो, हम अभी कभी यहाँ से निकल रहे हैं। उस आदमी की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ ने भी कार की तरफ देखा। अभी जो 4-5 आदमी गाड़ी में बैठे थे, उनके अलावा भी कोई उस गाड़ी में पहले से था और वह देखने से इन सब का बॉस लग रहा था। अपने बॉस की बात सुनकर उस फॉरेनर आदमी ने सिद्धार्थ और निया को घूर कर देखा और अपनी गन नहीं निकाली। मैं तुम दोनों को याद रखूंगा, मुझे जिंदगी में दोबारा कभी मत मिलना वरना। उसने सिद्धार्थ और निया को धमकाया और अपने अंगूठे से गले की तरफ इशारा किया। ये सोचकर कि वह सिद्धार्थ को डरा सकता है, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उसने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा, तो मुझे दोबारा मत देख जाना। तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखो। इतना कहकर एरिक गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी वहां से चली गई। जैसे ही गाड़ी वहां से गई, निया फिर से उस गाड़ी के पीछे जाने लगी। निया, सिद्धार्थ चिल्लाया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। गाड़ी आगे बढ़ी, तभी ड्राइवर ने कहा, बॉस, वह लड़की अभी भी हमारा पीछा कर रही है। ड्राइवर की बात सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी ने रियर व्यू मिरर से निया को देखा, जो अभी भी उसके पीछे आ रही थी। बॉस, आपने मुझे उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाने दिया? एरिक ने पूछा। यह इंडिया है, अगर तुम यहाँ कुछ करते हो तो हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, और उसके अलावा वह आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा था वह कोई मामूली इंसान नहीं है। मगर उस लड़की ने हमारा टैटू पहचान लिया था, और एरिक ने जवाब दिया। उसी वक्त पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी ने अपने सनग्लासेस उतारे। उसकी आंखें गहरी और ग्रे कलर की थी। रिवर्व्यू मिरर में निया छोटी और छोटी होती जा रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़की को तुमसे डर नहीं लगता? वह एक पागल लड़की है, एरिक ने कहा। तो उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी भी लड़कियों को समझ नहीं पाए हो। फिर उसने अपने सनग्लासेस फिर से पहन लिए और रियर व्यू मिरर में निया की छोटी सी परछाई को देखकर कहा, फिर मिलेंगे ब्यूटीफुल। वहीं दूसरी तरफ निया काफी दूर तक उस गाड़ी का पीछा करती रही। वह तब तक नहीं रुकी जब तक गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। वह वही रोड के बीच में खड़ी उस गाड़ी की दिशा में देखती रही। अचानक से ही फिर से उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता का चेहरा आने लगा। उसके पापा के हाथ पर बने उस टैटू का मतलब उसे पहले नहीं पता था, लेकिन जब उसने वैसा ही सेम टैटू इतने सारे लोगों के हाथों पर देखा तो उसे अतीत की कुछ यादें याद आने लगी। भले ही इन आदमियों के हाथ पर टैटू था वह थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन दोनों टैटूज के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है, ऐसा उसे लग रहा था। इतने सालों की खोज और मेहनत के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह टैटू एक क्लू हो सकता है, उसके माता पिता की मौत का राज जाने का। वह अभी भी उसी हाल में वही खड़ी थी। उसके माथे पर पसीना था और उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, लेकिन वह फिर भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वहां से गुजर रहे लोग वहां उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। कुछ लोगों की गाड़ी का तो एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि वह लोग निया को निहारने में बिजी थे। लेकिन निया को आसपास की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो अपनी ही दुनिया में थी। तभी अचानक सिद्धार्थ वहां पहुंच गया। जब उसने निया की चोट देखी तो उसके दिल में दर्द हुआ। वह इस लड़की को कितने सालों से जानता है, मगर निया पहली बार ऐसा बिहेव कर रही थी। जब निया का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था या फिर रघु ने उस पर हमला किया था, तभी वह इतना पैनिक और अजीब सा बिहेव नहीं कर रही थी। सिद्धार्थ जानता था कि निया के साथ कुछ तो गलत है, लेकिन इस वक्त उसने कुछ नहीं कहा और निया के पास आकर कहा, निया। लेकिन निया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी बिना पलके झपका है उसी दिशा में देख रही थी जहां गाड़ी गई थी। उस वक्त उसकी आंखों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। अगर तुम उन लोगों को ढूंढना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ,
सिद्धार्थ ने कहा तो निया अपने होश में वापस आई और उसकी तरफ देखने लगी। मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा और हम उन्हें ढूंढ लेंगे, सिद्धार्थ ने विश्वास दिलाते हुए कहा। सिद्धार्थ के ये शब्द निया के दिल को छू गए थे। लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ वापस चलो, इतना कहकर सिद्धार्थ ने निया को वही अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि निया के पैरों में चोट लग चुकी थी और सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि वह उन्हीं जख्मी पैरों के साथ चले। निया ने भी कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप सिद्धार्थ को वह करने दिया जो सिद्धार्थ कर रहा था। सिद्धार्थ निया को लेकर वापस होटल जाने लगा। आसपास के लोग सिर्फ उन्हें मुड़ कर देख रहे थे। वह दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। जल्दी वो लोग होटल की लॉबी में पहुंच गए। सिद्धार्थ ने निया को तब तक नहीं उतारा जब तक वह लोग लाउंज में नहीं पहुंच गए। सिद्धार्थ ने निया को उतार कर एक सोफे पर बैठाया और वहां के स्टाफ मेंबर से मेडिकल किट और एक जोड़ी स्लीपर्स मंगवाए। उसके पैरों की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ वही घुटने के बल बैठ गया और चुपचाप उसके पैरों को साफ करके दवा लगाने लगा। निया अभी भी कुछ सोच रही थी जब उसे अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ। तब वह अपनी सोच से बाहर आई जब उसने सिद्धार्थ को अपनी चोटों की इतनी परवाह करते हुए देखा तो उसके दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग महसूस हुई। अपने पैरों के ऊपर निया के पैर रखकर एक रुई से वह उसकी चोट को साफ कर रहा था और धीरे धीरे उसे चोटों पर फूंक भी मार रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह उसे दर्द पहुंचा देगा। इस वक्त निया को अपने दिल में अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। जिस तरह से सिद्धार्थ उसकी केयर कर रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले भी सिद्धार्थ ने उसकी जान हॉस्पिटल में बचाई थी, लेकिन उस वक्त निया को कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त उसके दिल में एक अलग एहसास उमड़ रहे थे। सिद्धार्थ, अचानक से उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उसका नाम लिया। निया की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने अपना सर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। निया उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से शब्द ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ सेकंड के हिचकिचाहट के बाद उसने सिर्फ एक शब्द कहा, थैंक्स। निया के एक्सप्रेशन देखकर सिद्धार्थ समझ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी चोट पर दवा लगाने के बाद उसने बैंडेज कर दिया और स्लीपर्स पहना दिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। निया भी उसकी तरफ देखने लगी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन उसने हाँ में सर हिला दिया। उसने फिर से बैंक्वेट हॉल की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मगर मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो, मगर आज तीनों बच्चों का जन्मदिन है और आज पहली बार उनके साथ उनका पूरा परिवार है, और तुम खुश नहीं रहोगी तो सबके साथ होते हुए भी वो खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए तुम सोच लो, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहती हो तो यही रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ठीक है। सिद्धार्थ सच में एक बहुत अच्छा पिता था। अपने इमोशंस के चक्कर में निया तो लगभग भूल ही गई थी कि उसके तीनों बच्चों का जन्मदिन है। लेकिन तीनों बच्चों की याद आते ही उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। जब सिद्धार्थ ने देखा कि निया नॉर्मल हो गई तो उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, फिर तो वापस चलते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे कर दिया। निया ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। तभी से सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम्हारे पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं? नहीं, निया ने ना में सर हिलाते हुए कहा। रास्ते में जाते वक्त निया ने अचानक से कहा, किसी को भी मत बताना अभी अभी क्या हुआ था। सिद्धार्थ ने भी बस हाँ में सर हिला दिया। अपने इमोशंस को एडजस्ट करके उसने एक गहरी सांस छोड़ी और रूम के अंदर चले गए। निया और सिद्धार्थ के जाने के बाद तीनों बच्चों की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। वह शांति से बैठकर उन दोनों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने उन दोनों को अंदर आते हुए देखा तो उसके पास पहुंच गए। आशिका ने जब देखा कि उसकी मॉम डैड ने हाथ पकड़ा हुआ है तो वह खुश हो गई। लेकिन वही जब कैलाश जी ने देखा कि सिद्धार्थ और निया ने हाथ पकड़ा हुआ है तो उनकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। लेकिन वह कुछ पूछ पाते उससे पहले ही उन्होंने नोटिस किया कि सिद्धार्थ के हाथ में निया की हील्स थी और निया ने स्लीपर्स पहने हुए थे। इसलिए उन्होंने चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटा? बाकी लोगों ने भले ही नोटिस नहीं किया हो, लेकिन कैलाश जी ने निया के एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए थे। भले ही वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट नकली थी, यह बात वह बता सकते थे। निया ने फिर भी मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं दादू, मैंने गलती से अपने पैरों को चोट पहुंचा ली, इसीलिए मुझे हील्स उतारने पड़े और सिद्धार्थ ने मुझे यहाँ वापस आने में मदद की। उसकी बात सुनकर कैलाश जी सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, डोंट वरी दादाजी, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, मगर उसका पैर थोड़ा सा मुड़ गया है, उसे 2 दिन के लिए आराम की जरूरत है, फिर वह ठीक हो जाएगी। जब उन दोनों ने कहा तो कैलाश जी ने अपनी चिंता छोड़ी और उनकी बात मान गए। तभी आदेश सामने आया और उसने निया की तरफ देखकर चिंता से पूछा, क्या दर्द हो रहा है अभी भी?
नहीं, मेरा बच्चा दर्द नहीं हो रहा है, निया ने कहा। क्या तुम्हें हॉस्पिटल चलना है? चलो हम तुम्हारा चेकअप करवाते हैं, विक्रांत जी भी चिंता में थे। हाँ मोम, बड़े दादाजी ठीक कह रहे हैं, अथर्व ने भी चिंता से कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादाजी, मुझे अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा है, मुझे बस आराम की जरूरत है, निया ने कहा। पैरों की चोट काफी बुरी हो सकती है, आपको आराम करना चाहिए, आहना ने भी कहा। निया ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, सब ठीक है। तब मॉम यहाँ आकर बैठो, आशिका ने निया को सोफे पर बिठाते हुए कहा। आप बस यहाँ बैठो और आप यहाँ से ही लोगे भी नहीं मॉम, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दो, मैं यही हूँ आपके पास, अथर्व ने भी कहा। इस वक्त निया के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी, उसके पास इतने सारे लोग थे जो सचमुच उसकी चिंता करते थे और उससे प्यार करते थे। तभी उसने कहा, ऑल राइट, आज तुम तीनों का बर्थडे है और काफी लेट भी हो चुका है मेरी वजह से, तो पार्टी शुरू करो। लेकिन तुम्हारे दोस्त, विक्रांत जी ने पूछा, उनकी आप चिंता मत कीजिए, उनकी अपनी प्रॉब्लम से वह सॉल्व कर लेंगे, हम पार्टी शुरू कर सकते हैं। विक्रांत जी ने हमें सर हिलाया और कहा, ठीक है फिर तो पार्टी शुरू करो। केक पर मोमबत्तियां जलाई गई और तीनों बच्चे एक साथ सामने खड़े हो गए। उन्हें विश मांगनी थी, आंखें बंद करके आदेश ने कहा, मैं यह विश मांगता हूँ कि मॉम पूरी जिंदगी खुश रहे। आशिका ने कहा, मैं भी यह विश मांगती हूँ कि आज की तरह हमारी फैमिली हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहे। आई विश, मैं क्या विश मांगू, नहीं दुआ मांगता हूँ कि इन दोनों की विश पूरी हो जाए। अथर्व को कोई आइडिया नहीं था उसे क्या बोलना है, इसलिए उसने अपने दोनों भाई बहनों की विश पूरी होने के लिए कहा। जैसे ही सबने बच्चों की विशेष सुनी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी विक्रांत जी ने कहा, तुम्हें अपनी विश इतनी जोर से नहीं बोलनी चाहिए थी। चिंता मत कर, भले ही इनकी विश इन्होंने जोर से बोली हो मगर फिर भी पूरी जरूर हो जाएगी, कैलाश जी ने कहा। लेकिन अरे बस भी कर, बर्थडे केक कट करने दे, लेट हो रहा है। ठीक है, भड़कता क्यों है। उन दोनों की नोकझोंक के साथ ही तीनों बच्चों ने केक कट किया। नेहा साइड में बैठकर उन तीनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी थोड़ी देर पहले हुई घटना चल रही थी और उसने ठान लिया था कि वह उन लोगों के बारे में पता लगाकर ही रहेगी। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 107, अनाया का दिल टूटा। अब तक आपने सुना कि तीनों बच्चों की बर्थडे पार्टी में प्रतीक और अनाया अपने सामने आ जाते हैं, जहां से प्रतीक अनाया को देखकर भाग जाता है। उसके बाद निया को कुछ ऐसे आदमी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर निया को शक होता है कि वह जरूर उसकी डैड को जानते होंगे और उसकी डैड की मौत राज का पता लगाने में उसकी मदद कर पाएंगे, लेकिन वह लोग चले जाते हैं। अब आगे, दूसरी तरफ अनाया जब दौड़ते हुए प्रतीक का पीछा कर बाहर आई तो उसने देखा कि वह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहा है, इसलिए उसने भी जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और उसका पीछा करने लगी। क्योंकि प्रतीक बहुत ही हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इसलिए अनाया को भी उसका पीछा करने के लिए उतनी ही स्पीड में गाड़ी चलाने पर रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़कों पर रेस लगा रहे हो। प्रतीक ड्राइविंग कर रहा था और वह किसी भी तरह करके अनाया को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। ड्राइविंग करते हुए वह बार बार पीछे की गाड़ी को देख रहा था जैसे कि उसे डर हो कि इतनी स्पीड गाड़ी चलाने की वजह से अनाया को कुछ हो ना जाए। वहीं दूसरी तरफ अनाया सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की स्पीड बढ़ाती जा रही थी, उसे सिर्फ प्रतीक को पकड़ना था और उससे सवाल करना था। आज किसी भी कीमत पर मैं उसे भागने नहीं दूंगी, इसी सोच के साथ उसने फिर से एक बार एक्सीलेटर पर पैर रखा। जब प्रतीक ने देखा कि कैसे अनाया बिना खुद की परवाह किए गाड़ी की स्पीड और बढ़ाकर उसका पीछा कर रही है तो उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। जब उसने देखा कि सामने मोड़ है तो वह ऐसे दिखा रहा था जैसे वह सीधा जाएगा, लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा उसने गाड़ी अलग डायरेक्शन में घुमा दी। अनाया की गाड़ी लगभग आगे जाने ही वाली थी, लेकिन जब उसने देखा कि प्रतीक ने गाड़ी किसी और दिशा में घुमा दी तो बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी को रोका। उसके टायर्स रोड पर घसीटते हुए जाकर रुके, उसने उस डायरेक्शन में देखा जहां प्रतीक की गाड़ी जा रही थी और फिर से तेजी से उसका पीछा करने लगी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी रास्ता छोटा होता जा रहा था। जब अनाया ने देखा कि प्रतीक का गाड़ी रोकने का कोई इरादा नहीं है तो उसे एक आइडिया आया। उसने अपने आप से कहा, ये तुम ही हो जिसने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। इतना कहकर उसने फिर से एक बार तेजी से एक्सीलेटर पर पैर रखा और अपनी गाड़ी ले जाकर प्रतीक की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। प्रतीक को ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उसने रियर व्यू मिरर से अनाया को देखा और फिर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पागल लड़की, प्रतीक ने अनाया को कोसा और तेजी से ड्राइव करने लगा।
वह जानता था कि वह नाया से इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा सकता, वह पक्का कोई पागलपन कर देगी। उसने आसपास सड़क पर देखना शुरू किया, तभी उसे एक छोटी गली दिखाई दी। उस गली को देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगी और उसने उस गली के अंदर अपनी गाड़ी मोड़ दी। जैसे ही वह उस गली के पास पहुंचने वाला था, कोई और गाड़ी अंधेरे से निकलकर बाहर आई। प्रतीक और दूसरी गाड़ी का मालिक भी एक दूसरे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दूसरी वाली गाड़ी एक ट्रक था जो टक्कर के डर के कारण जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा था कि सामने वाला इंसान अपनी गाड़ी हटा दे। जैसे ही प्रतीक अपने सामने ट्रक को देखा, उसने अपना डायरेक्शन जल्दी से चेंज किया और ट्रक को डोज कर दिया। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में प्रतीक पर चिल्लाते हुए कहा, ध्यान से चलाई नहीं जाती तो गाड़ी लेकर निकलते क्यों हो? तुम्हारे पास महंगी गाड़ी और पैसे, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कानून से ऊपर हो और कुछ भी कर सकते हो। वह ड्राइवर अभी बोल ही रहा था, तभी उसे एक जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर घुमाकर देखा तो पाया कि एक गाड़ी बहुत ही जोर से जाकर पोल से टकरा गई है। वह हैरान हो गया। प्रतीक अपनी गाड़ी से वहां से जाने ही वाला था, लेकिन उसने भी वह आवाज़ सुनी और वह आवाज़ सुनते ही उसके दिल की धड़कन ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगी। गाड़ी रोककर उसने डर से गाड़ी के बाहर देखा। ट्रक ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी और वह भी अपने ट्रक से बाहर आकर देखने लगा। प्रतीक भी उसके पीछे गाड़ी से बाहर आया और दौड़कर उस गाड़ी की तरफ जाने लगा। ट्रक खड़ी होने की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब प्रतीक दौड़ के ट्रक के आगे आया तो उसने देखा कि अनाया की गाड़ी जाके बहुत बुरी तरह से एक पोल से टकराई है। कार से धुआं निकल रहा है और कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है। उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसकी शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई है। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी भी वक्त रोना शुरू कर देगा। वह जल्दी से गाड़ी के पास गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वह किसी पागल इंसान की तरह चिल्लाने लगा, मेरे लिए इंतजार करो अनाया, मैं तुम्हें बचा लूंगा, अभी बचा लूंगा। जब प्रतीक ने देखा कि ट्रक ड्राइवर शांति से एक जगह खड़ा है, तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, देख क्या रहे हो, आओ आकर मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर ट्रक ड्राइवर ने प्रतीक को ऐसे देखा जैसे किसी पागल इंसान को देख रहा हो और फिर कहा, पागल हो क्या, ध्यान से देखो, गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है, गाड़ी खाली है। ड्राइवर की बात सुनते ही प्रतीक हैरान हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसे कुछ रियलाइज हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अनाया वहां पर खड़ी थी। उसके सर और हाथ से थोड़ा खून निकल रहा था। इसका मतलब गाड़ी क्रैश होने से थोड़ी देर पहले ही वह गाड़ी से कूद गई थी। दूसरा मतलब यह था कि प्रतीक को बेवकूफ बनाया गया। अनाया ने एक रिस्की बेट खेला और वो जीत गई। अनाया ने प्रतीक को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तो फिर तुम इतने पैनिक क्यों कर रहे हो। प्रतीक दिल एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग से भर गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रही थी। बिना किसी डर के अनाया ने शांति उसे से देखा और कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम अपनी गाड़ी रोक और मुझसे बात भी नहीं करते। तुम अपनी जान से खेल रही थी। हाँ मैं खेल रही थी, लेकिन ये काम भी तो आया, अनाया ने उसे देखते हुए ही कहा। प्रतीक का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अनाया की बात सुनकर उसने खुद को शांत किया और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा। लेकिन वह वहाँ से जाता उससे पहले ही अनाया उसके सामने आ गई और उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगी, तुम अभी भी भागना चाहते हो, साइड हट जाओ, प्रतीक ने कोल्डली कहा। ना मैं नहीं हटूंगी जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, अनाया ने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहा। प्रतीक ने सर उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखा। इतने सालों के बाद वह काफी मैच्योर हो गई थी। वह पहले की तरह मासूम प्यारी सी लड़की नहीं रह गई थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उन दोनों के बीच रिश्ता इम्पॉसिबल है, सोचकर प्रतीक ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। तभी अनाया ने कहा, तुम और कितने वक्त तक मुझसे छुपते रहोगे प्रतीक, इतने साल हो गए, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। इतना कहकर अनाया एक कदम आगे आई तो प्रतीक दो कदम पीछे चला गया। वह उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया, प्रतीक ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस दिखाई दे रहे थे। उसने बहुत ही कम और क्रूवल शब्दों में कहा, बिहेव योरसेल्फ। प्रतीक की ऐसा व्यवहार देखकर अनाया की आंखों में थोड़ा सा दर्द दिखाई दिया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे आसपास होते हुए अपने बिहेवियर पर ध्यान नहीं दे सकती। इतना कहकर वह जल्दी से आगे आई और अपने पंजों के बल खड़े होकर प्रतीक के होठों पर एक छोटी सी किस कर दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि प्रतीक को समझने का मौका ही नहीं मिला, उसके लिए ये किसी बिजली के झटके की तरह। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं बिहेव ना करूं तो तुम क्या करोगे। लेकिन प्रतीक अभी भी चुप था, तो
अनाया ने एक बार फिर कहा, तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग है और तुम्हें मेरी फिक्र है, ये बात मैं जानती हूँ प्रतीक, मगर तुम ये बात मानते क्यों नहीं? किसने कहा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मुझे तुम्हारी चिंता है? एक सेकंड पहले मुझे चोट लग जाएगी, इस डर से तुम चिल्ला रहे थे। ऐसा इसलिए बिकॉज मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके अंदर इंसानियत है, जिसे दूसरों की चिंता होती है। अगर कोई जानवर भी होता तो उसकी भी मुझे चिंता होती। तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रतीक ने अपना सर झटकते हुए कहा। अनाया ने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। प्रतीक ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है या नहीं, और उसके अलावा मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो जैसे अनाया पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या कहा तुमने अभी? अनाया को इतना हट और उदास देखकर प्रतीक के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और कहा, मुझे परेशान करना बंद करो अनाया, और पास्ट को भूल जाओ। 0.2 मिनट तक उसे देखने के बाद अनाया ने पूछा, क्या तुम सचमुच किसी को पसंद करते हो? हाँ, क्या तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक तुम उससे मिल नहीं लेती? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, प्रतीक ने एक्सप्लेन किया। अनाया बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई क्यू मिल जाए उसके लुक से या एक्सप्रेशन से, जिससे उसे यह एहसास हो कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह पीछे जाते हुए कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। इतना कहकर वह बिना रुके वहां से मुड़ी और जाने लगी। गाड़ी से कूदने की वजह से अनाया के पैर में चोट लग चुकी थी। जब वह आगे जा रही थी तो लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही प्रतीक ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में अनाया के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? अनाया जल्दी से खड़ी हुई और उसका हाथ झटकते हुए कहा, डोंट टच मी। बिना उसकी तरफ देखे अनाया फिर से एक बार आगे बढ़ने लगी। उसने अपने आप से ही कहा, 5 साल मैंने तुम्हें ढूंढा, एक बार भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी मैं खुद को सुधार लूंगी और बेहतर बन जाऊंगी, उसके ऊपर भरोसा करूंगी, ये सब कुछ सोच रखा था मैंने, लेकिन मुझे इनाम में क्या मिला? धोखा, और मैं बस एक मजाक बनकर रह गई हूँ। अनाया बिना किसी जान के बेजान गुड़िया की तरह आगे बढ़ी जा रही थी। उसके पैर से खून बह रहा था और पूरे रास्ते पर गिर रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पीछे खड़ा प्रतीक उसे देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल में खंजर घोंप रहा हो। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक ड्राइवर अभी भी वही खड़ा था और सारा का सारा ड्रामा देख रहा था। उसने जब प्रतीक को अपनी तरफ देखता पाया तो कहा, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ट्रक ड्राइवर को इग्नोर करके प्रतीक ने एक बार फिर से अनाया को देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर अनाया के पीछे गया। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जैसे ही वो इतना कहकर अनाया को अपनी गोद में उठाने वाला था, अनाया ने अपने जूतों से एक चाकू निकाला और उसके सीने पर रखते हुए कहा, मैंने कहा मुझे छूना मत। लेकिन अनाया के चाकू रखने के बावजूद भी प्रतीक के पीछे हटने का कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा था। कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वह उसे देख रहा था। उल्टा वह 2 कदम और आगे बढ़ गया, जिससे चाकू उसकी शर्ट को फाड़कर उसकी स्किन में घुस गया और थोड़ा सा खून निकलने लगा। अगर तुम्हें इसी से खुशी मिलेगी तो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्रतीक ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। अनाया अपनी लाल आंखों से उसे देख रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगले सेकंड उसने उसकी सीने से चाकू हटाकर अपने गले पर रख दिया। प्रतीक जल्दी से चिल्लाया, अनाया क्या कर रही हो? मेरे पास भी मत आना। जब तुम किसी और को पसंद करते हो तो मुझे परेशान मत करो, अनाया ने प्रतीक को देखते हुए कहा। वह जैसे देख रही थी जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। प्रतीक कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वह कह नहीं पाया। जब अनाया ने देखा कि प्रतीक आगे नहीं बढ़ रहा है, उसने चाकू हटाया और वहां से जाने लगी। प्रतीक खाली आंखों से उसे जाता हुआ देख रहा था। अनाया लंगड़ाते हुए चल रही थी और वह उससे कुछ दूरी बनाकर वह उसका पीछा करने लगा। उसका दिमाग फिर से अतीत के उन यादों में गुम हो गया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद सिद्धार्थ खुद सबको लेकर निया के घर जा रहा था। रास्ते में घर जाते वक्त निया पूरे टाइम चुप थी। सब देख सकते हैं कि कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त उसे और परेशान करना सही नहीं समझा, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। जब वह लोग निया के घर के सामने पहुंचे तो कैलाश जी ने कुछ सोचकर कहा, लेट हो गया है, मैं तीनों को लेकर जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने तीनों बच्चों को देखा तो तीनों गाड़ी से उतर गए। पास्ट में वह कभी भी सिद्धार्थ और निया को अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि होगा वही जो किस्मत चाहती है, और वह निया और सिद्धार्थ को ज्यादा टाइम तक अलग नहीं रख पाएंगे। उन्हें हमेशा एक दूसरे से मिलना ही होगा क्योंकि उन दोनों के बीच उनके तीनों बच्चे भी हैं। उसके बाद वह तीनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए।
उन सब के जाने के बाद सिद्धार्थ ने निया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी चिंता और टेंशन तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है, तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर निया अपने होश में वापस आए, लेकिन वह फिर भी चुपचाप गाड़ी की खिड़की के बाहर देख रही थी। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं इस लायक तो हूँ कि तुम्हारा थोड़ा सा भरोसा जीत सकूं। कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नेहा ने मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो जानती थी कि सिद्धार्थ आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन वह अभी इस वक्त कुछ बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, सिद्धार्थ मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, मैं ठीक से सोचकर बताऊंगी। सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, फाइन, मैं इंतजार करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे बता सकती हो तो तुम मुझे बस एक बार कॉल कर देना। नेहा ने सर हिलाया और उसकी तरफ देखती रही। ऑल राइट, लेट हो गया है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, सब कुछ भूल जाओ और आराम करो। इतना कहकर उसने कार का डोर ओपन कर दिया। नेहा ने एक बार फिर हां में सिर हिलाया और गाड़ी के बाहर चली गई। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। नेहा अपने ख्यालों में इतनी घूम थी कि उसने हां में सर हिलाया और वहां से चली गई। नेहा के जाने के बाद वही गाड़ी में बैठा विक्रम बोला, सर मैम को। उसके आगे कुछ बोलता उससे पहले सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, होटल वापस चलो, क्यों, क्या आप वहां कुछ भूल गए हैं, विक्रम ने पूछा। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा और सिद्धार्थ की एक नज़र ही उसे चुप कराने के लिए काफी थी। बिना देरी किए उसने गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दी। होटल के सर्विलेंस रूम में सिद्धार्थ टेंशन भरे एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन को देख रहा था। विक्रम भी वही खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि सिद्धार्थ किसी आदमी से बात कर रहा है। जब विक्रम ने उस इंसान की पीठ देखी तो उसने कुछ नोटिस किया और कहा, सर। लेकिन जब उसने देखा कि उस रूम में उसके और सिद्धार्थ के अलावा और भी लोग हैं, तो उसने बहुत ही धीमी आवाज में सिद्धार्थ के कान में कहा, सर उसके पास तो गन है। फुटेज में दिखाई दे रहा था कि आखिरी में इंसान जो गाड़ी में बैठा उसने एक छोटा लेदर का जैकेट पहना हुआ था। जब वह सिद्धार्थ से बात करके मुड़ा तो गाड़ी में बैठते वक्त उसकी जैकेट ऊपर उठ गई, जिससे उसकी गन दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई हैरानी के भाव नहीं थे। उसने सिंपली विक्रम की तरफ देखा और ऑर्डर दिया, इस फुटेज की कॉपी अपने पास रख लो। विक्रम ने हाँ में सर हिलाया, जी सर। अपना फोन निकाल कर सिद्धार्थ उस रूम से बाहर चला गया। रूम से बाहर आते ही उसने किसी से फोन पर कहा, कहाँ हो तुम राका, कुछ लोगों की ही इन्वेस्टिगेशन करानी है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 108 प्रतीक और अनाया की बात। अब तक आपने सुना कि प्रतीक के पीछे भागते भागते अनाया उसका गाड़ी में पीछा करने लगती है और उसे रोकने के लिए खुद की गाड़ी क्रैश भी करवा देती है, जिसमें उसे चोट आती है। लेकिन प्रतीक के कहने पर उसका दिल टूट जाता है और वह वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ निया अभी भी किसी गहरी सोच में गुम है। अब आगे दूसरी तरफ घर आने के बाद निया ने शावर लिया और कपड़े चेंज करके कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिससे पानी फर्श पर गिर रहा था, और उसका दिमाग अभी भी उन्हीं फॉरेन आदमियों के ख्यालों से भरा हुआ था जिनसे वह आज मिली थी। एक पेंसिल और पेपर पकड़ के निया ने आंखें बंद की और ध्यान से सोचने लगी कि वह टैटू दिखता कैसा है। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और पेपर पर स्केचिंग करने लगी। जब उसने पूरी तरह से बना लिया तो वह ध्यान से उस टैटू की ड्राइंग देखने लगी। यह उसके पिता के टैटू से थोड़ा सा अलग लगता, मगर उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग हो रही थी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सालों से वह सच्चाई का पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसे आज तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज उस टैटू को देखने के बाद उसकी इंस्टिंक्ट उसे कह रही है कि वह टैटू एक क्लू हो सकता है सच तक पहुंचाने का। भले ही वह अपने माता पिता के कातिलों को इतनी आसानी से न ढूंढ पाए, फिर भी वह कोशिश करेगी। यही सब सोचते हुए उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और उस टैटू के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगी। उसने कई घंटों तक सर्च किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा। उस टैटू के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से उसका शक और बढ़ गया। अंत में उसने वह करने की सोची जो वह कभी नहीं करना चाहती थी। वह जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। उसकी उंगलियां इस लाइट की स्पीड से चल रही थी और कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे कोड दिखाई दे रहे थे। एक वेबसाइट ओपन हुई जो सिर्फ हैकर्स के लिए होती है। एक गेम एक्सकल है, दुनिया के टॉप हैकर यहां जमा होकर अपने लिए स्पेशल मिशन चुनते हैं।
यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और हर हैकर को उसके स्किल्स पॉइंट्स और जितने टाइम में उसने मिशन कंप्लीट किया है उसके ऊपर पॉइंट दिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि निया इन सभी हैकर्स में नंबर वन पर थी। अपने रैंक को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका अपने से किसी बड़े हैकर को चैलेंज करना था। अगर वह चैलेंज जीत जाते हैं तो हराने वाले हैकर को हरने वाले हैकर का रैंक दे दिया जाता है। ये बहुत आसान था। जैसे ही वह वेबसाइट पर दिखाई देने लगी, लोग आपस में चैटिंग करने लगे, क्या तुमने देखा है कि क्वीन अलीशा अभी अभी ऑनलाइन आई है? ऑफ कोर्स, मैंने देखा, बहुत टाइम बाद वह ऑनलाइन आई है। वह लोग अभी चैटिंग कर रहे थे तभी किसी ने कहा, कौन कौन अपनी रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं? अगर रैंक इम्प्रूव करना है तो जाओ और उसे चैलेंज करो। उस आदमी की बात सुनकर सब उसे पागल कहने लगे, क्योंकि किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई अलीशा को चैलेंज कर सके, क्योंकि मिशन कंप्लीट करने में अलीशा का रिकॉर्ड था जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया था। उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे चैलेंज करें। तभी किसी ने कहा, इस फाइन कोई उन्हें नहीं हरा सकता, हम सिर्फ उन्हें एडमायर कर सकते हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उन्हें जो चैलेंज करेगा वह पागल होगा और जिसके दिमाग में भी यह ख्याल आ रहा है वह अलीशा मैम के पिछले मिशन की टाइमिंग देख ले। निया चुपचाप देख रही थी कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा और एक लिस्ट पर क्लिक किया। यह मिशन्स न्यूज और उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी उसमें थी, जहां से कोई भी जानकारी नहीं निकाली जा सकती थी। उस वेबसाइट पर उस टैटू की पिक्चर अपलोड करने के बाद निया थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि अपलोड करने के बाद आधे से ज्यादा लोगों को उस टैटू के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने वह फोटो अपलोड करके उस वेबसाइट के सभी लोगों को एक बहुत बड़ी चीज इनाम के तौर पर देने के लिए कही कि जो भी उसे इस टैटू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा उससे वह चीज इनाम के तौर पर दी जाएगी। जैसे ही निया ने अपलोड किया, किसी ने कहा, क्या तुमने देखा अलीशा ने अभी अभी क्या कहा? गॉड डैम, रिपोर्ट देखो, वह दुनिया के बेस्ट हैकर है, कोई जानता है वह क्या ढूंढ रही है? हरी, आप जल्दी ढूंढो, अगर हमने उनकी मदद कर दी तो वह हमें अपना स्टूडेंट बना लेंगी और उनके बाद उनका स्टूडेंट दुनिया का बेस्ट हैकर होगा। सब लोग इस बारे में बात करने लगे। निया ने सबके कमेंट पढ़े और उसके बाद उसने लिखा, अगर इस टैटू के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोग मेरे स्टूडेंट बनने के अलावा जो कुछ भी मांगेंगे मैं वह भी दूंगी। निया के ये लिखती ही सब शांत हो गए। अलीशा का चैट शांति काफी देर तक बरकरार रही, लग रहा था कि कंप्यूटर खराब हो गया। इसका कारण ये था कि यह किंग क्वीन अलीशा ने पहली बार सामने से आकर कुछ कहा था। निया वह लोगों के चैट और कमेंट पढ़ती रहती थी, लेकिन कभी उसने किसी से कोई बात नहीं की। लेकिन जब पहली बार उसने कुछ कहा तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब देना है। 18 नवंबर के हैकर ने आखिरकार कहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर हैकिंग क्वीन अलीशा ने सचमुच हमसे बात की? लगता है आज यह वेबसाइट फटने वाली है। हैकिंग की दुनिया में सब हैकिंग क्वीन अलीशा की पूजा करते थे। कितने लोग तो अभी ही उसका स्टूडेंट बनने के लिए कहने लगे और बाकी उस टैटू के बारे में जानकारी निकलवाने लगे। वह सब क्रेजी फैंस की भीड़ की तरह बिहेव कर रहे थे। उस साइट पर सभी लोग इतनी पावरफुल है कि अपने एक कदम से दुनिया हिला सकते थे, लेकिन उन्हें लोगों को परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सब हैकर सिर्फ एक दूसरे से मजे के लिए कंपटीशन करते रहते थे ताकि वह खुद को बेस्ट साबित कर सके। उन्हें सिर्फ पहचान और फ्रेम चाहिए था। तभी निया ने एक बार फिर मैसेज टाइप किया, जो भी इस पिक्चर के बारे में कुछ भी जानता हो वह मुझसे प्राइवेटली मैसेज कर सकता है। इतना कहकर उसने वह वेबसाइट बंद कर दी। फिर भी उसका मोबाइल बज रहा था क्योंकि उसने उस वेबसाइट से अपना मोबाइल कनेक्ट कर दिया था। अगर कोई भी उस टैटू के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करता है तो वह उसे पर्सनली मैसेज कर सकता है। इसका मतलब था उसके मोबाइल पर मैसेज कर सकता है। कंप्यूटर के सामने बैठकर वह भी किसी गहरी सोच में थी। उसे पता था कि उसे सब्र से काम लेना होगा, लेकिन वह और सब्र नहीं कर पा रही थी। इतने सालों से सच की तलाश कर रही उसने सब कुछ किया था, लेकिन उसे आज तक कुछ पता नहीं चला। आज ऐसा पहली बार था कि उसे इतनी स्ट्रांग फीलिंग हो रही थी कि आखिरकार उसे थोड़ी सी उम्मीद नजर आई है। वहीं दूसरी तरफ अनाया पूरे रास्ते उसी तरह लंगड़ाते हुए घर वापस आ गई थी। जब तक वह अपने घर के पास पहुंची तो काफी रात हो चुकी थी। वह अपने घर में जा पाती उससे पहले ही उसका फोन बजा। उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई देने लगी तो उसने देखा कि आदेश का कॉल है। फिर भी उसने कॉल पिक कर लिया और कहा, हेलो। उसकी आवाज से ही आदेश को पता चल गया कि कुछ गलत है। उसने पूछा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? लेकिन अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कहाँ हो? अनाया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया तो आदेश ने पूछना बंद कर दिया और कॉल कट कर दिया।
अनाया थोड़ी देर तक अपने फोन को देखती रही, फिर आगे बढ़ने लगी, लेकिन वह अपने घर के अंदर जा पाती उससे पहले ही उसे आदेश और अथर्व दिखाई दिए। उन दोनों को देखकर अनाया हैरान हो गई। आदेश के हाथ में फोन था जिससे उसने अनाया की लोकेशन ट्रेस की थी। अनाया के सर, हाथ और पैर पर खून देखकर उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अनाया ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं। क्या ये सब मॉम के फ्रेंड की वजह से हुआ है? फिर एक बार प्रतीक के जिक्र से अनाया अपनी जगह पर जम गई, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, यह एक्सीडेंट था। आदेश और अथर्व दोनों चुपचाप उसे देखने लगे। वो कोई ऐसी इंसान नहीं थी जिसकी मुस्कुराहट इतनी आसानी से चली जाए, और ना ही वह किसी को खुद को इतना परेशान करने दे सकती थी। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुमने हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, कोई जरूरत नहीं है, मगर तुम्हारी चोट इतनी भी सीरियस नहीं है। इतना कहकर अनाया अंदर जाने लगी। आदेश उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन अथर्व ने उसे रोक लिया। आदेश कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले उसने देखा कि अथर्व दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। अथर्व जिस तरफ इशारा कर रहा था, वहां आदेश ने देखा तो कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे प्रतीक खड़ा था। प्रतीक को देखकर आदेश के चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देने लगा। अनाया की तरफ देखते हुए प्रतीक छुपने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। अथर्व की तरफ देखकर आदेश ने कहा, तुम अनाया के साथ अंदर जाओ। अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और अनाया के साथ चला गया। आदेश ने कुछ देर तक प्रतीक की दिशा में देखता रहा और सोचता रहा कैसे क्या करना है। फिर वह धीरे धीरे प्रतीक की तरफ बढ़ने लगा। जब प्रतीक ने नोटिस किया कि आदेश उसी की तरफ आ रहा है, तो वह अनाया से ध्यान हटाकर आदेश को देखने लगा। इस छोटे से बच्चे की आंखों में कोई डर और कोई हिचकिचाहट नहीं दिख रही थी। आदेश का चेहरा पढ़ना इम्पॉसिबल लग रहा था और उसमें उसे समझ पाना मुश्किल हो गया था प्रतीक के लिए, जो अक्सर आदेश की उम्र के बच्चों के साथ नहीं होता था। प्रतीक के पास पहुंचकर आदेश ने पूछा, तो आप मॉम के फ्रेंड हो? प्रतीक ने आदेश को पहले भी होटल में एक बार देखा था, इसलिए आदेश की इस तरह सीधे तरीके पर कॉन्फिडेंस से सवाल पूछने पर उसे हैरानी नहीं हुई, और इनफैक्ट ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने निया और सिद्धार्थ के बच्चे से उम्मीद की थी। उसने जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। कुछ देर तक चुप रहने के बाद आदेश ने कहा, मुझे नहीं पता कि अनाया के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम दोनों के बीच हुआ क्या, मगर तुम मेरे मॉम के फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि अपनी हद में रहना। अनाया मेरी फ्रेंड और मेरी बड़ी बहन है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं रहूँगा। आदेश ने सीधे और कड़क शब्दों में प्रतीक को वार्निंग दी। प्रतीक ने अपने सामने खड़े इस छोटे से बच्चे को देखा और कहा, अच्छा वह तुम्हारी बहन है? हाँ, वह मेरी बड़ी बहन और दोस्त है, आदेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब आदेश को अनाया की जरूरत थी तो उसने बिना किसी भी शिकायत के उसकी मदद की थी, इसलिए अगर कुछ भी उसे हुआ तो आदेश उसकी मदद पक्का करेगा। कुछ देर तक अपने सामने खड़े इस छोटे से बच्चे की एटीट्यूड देखकर प्रतीक हैरान रहा, लेकिन फिर उससे इम्प्रेस हो गया। आदेश अपनों के लिए प्रोटेक्टिव था, ठीक निया की तरह। ऑलराइट, मैं समझ गया, प्रतीक ने जवाब दिया। आदेश ने एक नजरों उसे देखा और वहां से जाने लगा। क्योंकि प्रतीक उसकी मॉम का फ्रेंड था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ कहना बेहतर नहीं समझा। वह वहां से जा पाता उससे पहले ही प्रतीक ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। आदेश ने मुड़कर पूछा, क्या है? आदेश के पूछने पर प्रतीक ने अपने हाथ में पकड़ी कुछ दवाइयां उसे देते हुए कहा, ये लो, यह उसके लिए है। उसकी बात सुनकर आदेश उन दवाइयों को देखने लगा। उसका कोई इंटेंशन नहीं था उन दवाइयों को लेने का। तो प्रतीक ने फिर कहा, मुझे पक्का पता है कि वह हॉस्पिटल नहीं जाएगी, ये दवाएं मदद करेंगे उसकी चोट ठीक होने में। आदेश प्रतीक की आंखों में अनाया के लिए चिंता देख सकता था। भले ही वह प्रतीक को धमका रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन वह प्रतीक का टेस्ट ले रहा था। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने वह दवाएं ले ली। तभी प्रतीक ने कहा, उसे बताना मत कि यह मैंने दी है। क्यों? अगर उसे पता चल गया तो वह इनका इस्तेमाल नहीं करेगी और इन्हें बर्बाद कर देगी, प्रतीक ने कहा। क्या तुम अनाया को इतनी अच्छी तरह से जानते हो? आदेश ने कहा। हल्का सा मुस्कुराते हुए प्रतीक ने आदेश को देखा और जवाब दिया, शायद, छोड़ो, तुम उसे ये दे देना, थैंक्स। इतना कहकर प्रतीक वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आदेश ने अपने हाथ में पकड़ी दवाइयों को देखा और वह भी अनाया के घर में चला गया। जब वह अनाया के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि अनाया ड्रिंक कर रही थी और अनाया को रोकने के बजाय अथर्व उसे बर्फ लाकर दे रहा था। उसने अंदर आते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम वापस आ गए? अनाया को अच्छा नहीं लग रहा था और वह ड्रिंक करना चाहती थी, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा था, अथर्व ने मुस्कुराकर कहा। तुम्ही तो मैं, इसके आगे आदेश कुछ कहता उससे पहले ही अनाया ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, उसकी गलती नहीं है।
आदेश उसे देखने लगा। तभी अथर्व ने धीरे से उसके कान में कहा, अभी उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हम दोनों बच्चे हैं। अगर उसे गुस्सा आ गया तो हम दोनों को मार कर भगा देगी, इसलिए उसे ड्रिंक करनी है तो बाद में उसकी बोतल एप्पल जूस की बोतल के साथ बदल देंगे। आदेश ने अथर्व की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास आइडियाज बहुत है, तुम टीवी देखना बंद करो। आदेश की बात सुनकर अथर्व का मुंह बन गया। तभी अचानक से अनाया ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? कुछ देर तक सोचने के बाद आदेश ने कहा, वह मैंने तुम्हारी चोट देखी थी इसलिए दवाइयाँ लेने गया था। उसकी बात सुनकर अनाया ने आदेश के हाथ में पकड़ी दवाइयों को देखा और फिर से उसे इग्नोर करके ड्रिंक करने लगी। आदेश ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ दवाई लगाने में? नहीं, इतनी छोटी मोटी चोट से मुझे कुछ नहीं होता, हमारे मिशंस में तो हमें कई चोटें लगती रहती है, अनाया ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मैंने कहा नहीं, लेकिन तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम दोनों को अपने घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अनाया ने गुस्से में कहा। तभी आदेश ने कहना शुरू किया, वह जो आदमी के पीछे तुम गई थी वह मॉम के फ्रेंड है, जो कई सालों से मॉम से मिले नहीं थे। आज अचानक से ही बर्थडे पार्टी में मैंने उन्हें बुला लिया और उन्हें तुम्हारे आने के बारे में पता नहीं था, इसलिए तुम दोनों आमने सामने आ गए। यह एक एक्सीडेंट था और उसके अलावा ये दवाया भी उसी ने ही मुझे दी है ताकि मैं तुम्हें दे दूँ। जैसे ही आदेश ने कहा, अनाया की पकड़ अपने गिलास पर टाइट हो गई, इससे पहले कि वह खड़ी होकर आदेश के पास आती। आदेश ने फिर कहा, उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें ना बताऊं वरना तुम इन दवाइयों को उठाकर फेंक दोगी। आदेश की बात सुनकर अनाया रुक गई, गुस्से में आकर वह वही करने ही वाली थी। तभी आदेश ने आगे कहा, मुझे लगता है कि उन अंकल को तुम्हारी चिंता है, मैंने उनकी आंखों में वैसे ही इमोशंस देखे जैसे डैड की आंखों में मॉम के लिए देखे हैं। आदेश की बात सुनकर अनाया ने हंसते हुए कहा, तब तुम्हें और समझदार होने की जरूरत है और केयरफुल हो जाने की भी, क्योंकि वह पागल आदमी किसी और से प्यार करता है। अगर तुम्हारी डैड भी तुम्हारी मॉम के लिए वैसे ही इमोशंस रखते हैं जैसा कि प्रतीक मेरे लिए, तो इसका मतलब तुम्हारे डैड भी मॉम को छोड़ने वाले हैं। क्या उन्होंने ये सब तुमसे खुद कहा? हाँ, उसने अपने मुंह से कहा, अनाया ने कहा तो तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने ये सब तुमसे जानबूझकर कहा है? आदेश ने फिर पूछा और आदेश का सवाल सुनकर अनाया अपनी जगह पर जम गई। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 109 अथर्व का प्लान। अब तक आपने सुना कि निया हैकिंग वेबसाइट पर उस टैटू का फोटो डाल देती है और लोगों से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है, और वहीं दूसरी तरफ अनाया जख्मी हालत में घर आती है जहां आदेश और अथर्व उसके साथ होते हैं। अब आगे, जब आदेश ने देखा कि अनाया के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं है तो उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है और मुझे कारण भी नहीं पता कि उन्होंने तुमसे ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं भी एक लड़का हूँ, भले ही छोटा हूँ मगर मुझे पता है कि कभी कभार आदमी जो कहते हैं उसका मतलब कुछ और होता है, कभी कभी उनकी हरकतों से भी उनके इमोशन को समझना चाहिए। आदेश की बात अनाया चुप होकर सुन रही थी। ऑफ कोर्स यह मेरा ओपिनियन है, ये सच हो यह जरूरी नहीं, मगर मैं ये बता सकता हूँ कि तुम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, उन्हें सचमुच तुम्हारी बहुत चिंता है, जैसे डैड को मोम की होती है और हमारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, आदेश ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। अनाया अभी भी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। क्या सचमुच जो आदेश कह रहा है वह सच हो सकता है? ओके, जो कुछ भी मैंने कहा वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया, अब सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और आज बहुत लेट हो गया है, तुम सोने जाओ। इससे पहले कि अनाया कुछ कहती, आदेश ने अथर्व की तरफ देखा और कहा, चलो घर चलते हैं। अथर्व भी खड़ा हुआ और अपने भाई के पीछे पीछे जाने लगा। दरवाजे के बाहर जाकर उसने मुड़कर अनाया की तरफ देखा और कहा, वैसे वो तुम्हारे बारे में क्या फील करते हैं? इसके बारे में जानने का एक आसान रास्ता है। और वह क्या है? अनाया ने अपने आईब्रो जोड़ते हुए पूछा। वेल, ये भले ही पुराना तरीका है मगर तुम ऐसा नाटक कर सकती हो कि तुमने उन्हें भुला दिया और किसी और से प्यार करने लगी हो, और फिर तुम्हारे मन जो करे तुम वह एक्शन दे सकती हो, लेकिन भले ही तरीका पुराना है मगर हमेशा काम करता है। सीधी भाषा में बोलूं तो एक आदमी अपनी फीलिंग्स तभी बताता है जब उसे सामने वाले को खोने का डर हो, जब उसे लगेगा कि वह तुम्हें खो सकता है तो वह पक्का तुम्हें अपने दिल की फीलिंग बता देंगे, अथर्व ने सलाह दी। अथर्व की बात सुनकर अनाया सोचने लगी। तभी अथर्व ने आगे कहा, मगर ये थोड़ा रिस्की है, इसमें सक्सेस होने के 50-50 चांसेस है। ऐसा करने से ये भी हो सकता है कि वह तुम्हें अपनी फीलिंग बता दे, या फिर यह भी हो सकता है कि वह तुम्हें छोड़कर चले जाए। अब ऐसा करना है या नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है, जल्दबाजी में कुछ मत करना।
अथर्व ने कह तो दिया था, लेकिन वह भूल गया कि अनाया तोप के गोले की तरह है। वह कुछ भी कर सकती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना खतरनाक है। सोचकर अनाया ने पूछा, मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा? वह मेरे पास एक आइडिया है, अथर्व ने जवाब दिया। जल्दी बताओ। उसके बाद अथर्व, आदेश और अनाया एक जगह जमा हुए और अथर्व ने अपनी सारी प्लानिंग उन्हें बताई। अथर्व की बात पूरी होने के बाद आदेश ने उसे देखा और कहा, ये कुछ ज्यादा ही रिस्की नहीं हो गया? लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम करती है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, मगर रिस्क लेने में बुराई क्या है? क्या पता ये काम कर जाए। लेकिन आदेश इसके आगे कुछ कहता, उसे पहले ही अनाया उसे बीच में रोका और कहा, अथर्व ठीक कह रहा है, मैं वही करूंगी जो उसने कहा। आदेश फिर भी नहीं माना और उसने कहा, और अगर प्लेन कम ना करें, वह नहीं किया जो हम सोच रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं हार मान लूंगी, पहले ही सब कुछ खत्म हो गया है, आखिरी बार ट्राई करने में जाता क्या है? अगर मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट जाऊंगी और जो अभी इस वक्त है उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता, अनाया ने जवाब दिया। उसकी आंखों में पक्का फैसला दिखाई दे रहा था। अब आदेश के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी उसे विश्वास दिलाते हुए अनाया ने कहा, डोंट वरी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आखिरी तुम्हारी चॉइस है। आखिरकार जब अनाया ने दोनों लड़कों से अपने दिल की बात कहती तो उसका बोझ थोड़ा कम हो गया था। उन दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम दोनों जानते हो तुम दोनों के पास कितने सारे आइडियाज हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी तोड़कर देखो कि तुम्हारा दिमाग बना किस चीज का है। मुझे पता है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल ज्यादा है, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों को ऐसी चीजों के बारे में भी इतना पता होगा। अनाया की बात सुनकर अथर्व ने अपना हाथ सर के पीछे ले जाकर बिल्कुल शिनचैन वाले स्टाइल में कहा, ही मैं इतना भी कुछ खास नहीं, मगर फिर भी अगर सचमुच तुम हमारी खोपड़ी तोड़कर देखना चाहती हो तो तुम भाई का सर तोड़ दो, वह मुझसे ज्यादा स्मार्ट है तो तुम्हें रिसर्च करने में आसानी होगी, अथर्व ने जवाब दिया। तो अनाया मुस्कुरा कर उसे देखने लगी और आदेश उसे घूरने लगा। भले ही आदेश स्मार्ट था, लेकिन अथर्व भी उससे कुछ कम नहीं था, वह बस मस्ती मजाक करता रहता था, आदेश की तरह सीरियस नहीं लगता था, वह बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट थे। एक दिन तो दूसरा रात दोनों के पास अपनी अपनी स्पेशल पावर थी। अथर्व, मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो, अचानक से अनाया ने कहा। क्या? एक बार तुम ब्लैक डेविल्स गैंग में ज्वाइन हो जाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगी, अनाया ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अथर्व वह उसे देखने लगा, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। तभी आदेश ने कहा, ऑल राइट, हमें घर जाना है, तुम आराम करो, हम जा रहे हैं, ओके बाय। ओके जाओ, बाय, अनाया ने हमें सर हिला दिया। हाँ, हम दवाई यही छोड़कर जा रहे हैं, तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है, आदेश ने कहा और उसके बाद अथर्व के साथ बाहर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद अनाया ने दरवाजा बंद किया और टेबल पर रखी दवाइयों को देखा और अपने आप से सवाल किया, प्रतीक, क्या तुम सचमुच वही हो जो अथर्व आदेश कह रहे थे? वहाँ से निकलने के बाद जब दोनों घर जा रहे थे, तभी अथर्व ने पूछा, भाई आपको क्या लगता है कि हमारा आइडिया काम करेगा? तुम क्या सोचते हो? आदेश ने भी वही सवाल किया। मुझे कैसे पता? तुमने उसे इतनी बड़ी सलाह दे दी, प्लानिंग बताया है, बिना ये जाने किसका रिजल्ट क्या होने वाला है? उसकी बात से अथर्व हैरान हो गया और उसने कहा, भाई आराम से, मैंने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि आपने प्रत्येक अंकल के बारे में अच्छा कहा और मुझे भी आपकी बात ठीक लगी, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अथर्व की बात सुनकर आदेश उसे रुक कर देखने लगा। आदेश इस वक्त बिल्कुल वैसे ही देख रहा था जैसे थोड़ी देर पहले अनाया देख रही थी। आदेश को अपनी तरफ अथर्व ने ऐसे देखता हुआ पाया तो हकलाते हुए पूछा, भाई आप क्या देख रहे हो? आदेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी अभी यह रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे बेहतर हो, कभी कभी। आदेश की बात सुनकर अथर्व ने हैरानी से एक आईब्रो ऊंचकाए और पूछा, आपको अब ये रियलाइज हुआ? मुझे बहुत पहले से पता चल गया था, लेकिन आपको अब ये रियलाइज क्यों हुआ? कुछ सोचते हुए आदेश ने कहा, तुम मुझसे ज्यादा शांत रहते हो, अच्छे से सोचते हो और जल्दी एक्शन भी लेते हो, इसलिए। आदेश की बात सुनकर अथर्व ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छा अच्छा, जब आपको यह एहसास हो ही गया है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी जगह बदल ले, आज से मैं आपका बड़ा भाई बन जाऊंगा और आप मेरे छोटे भाई, मैं आपका बड़े भाई के तौर पर बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुनकर आदेश ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अथर्व, तुम्हें पता है क्या भाई, मैंने यह बात मान तो ली कि तुम मुझसे कुछ मामलों में अच्छे हो, लेकिन मेरा बड़ा भाई बनना, हाँ, इस जन्म में कभी नहीं होगा, आप बहुत बुरे हो, मैं सिर्फ आपसे एक मिनट छोटा हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें जिंदगी भर मेरा छोटा भाई बनकर रहना होगा, आदेश ने एक विजय मुस्कान के साथ कहा। लाइफ इज सो अनफेयर, अथर्व ने कहा।
हाँ वो तो है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। इसी तरह एक दूसरे से बात करते करते वो लोग घर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ अपने घर पर बैठी टीना अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। उसे अपने एक कलीग द्वारा पोस्ट की गई फोटो दिखाई दी। इस फोटो में अहाना और आशिका दोनों साथ में थे। उसका कलीग अहाना का डाई हार्ड फैन था, तो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का फोटो पोस्ट करना नॉर्मल सी बात थी। नॉर्मली टीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज बात कुछ और थी। इस फोटो को देखकर एक पल के लिए वह अपनी जगह पर जम गई। उसने अपने आप से ही कहा, सिद्धार्थ और अहाना के बारे में अफवाहें तो सुनी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि यह सिद्धार्थ की बेटी के भी करीब है। और यह फोटो तो आज की ही है, जो उस छोटी सी पिदी लड़की ने अपने जन्मदिन के लिए पहनी हुई थी। ये सब हो क्या रहा है? लेकिन उसने ये सब ख्याल को झटका और जल्दी से अपनी कलीग को फोन लगाया ताकि वह उससे बात कर सके। फोन पर बात करने के बाद उसे पता चला कि आशिका अहाना के साथ एक मॉडर्न टीवी सीरियल में काम करने वाली है। अब जाके उसे एहसास हुआ कि यह लड़की अब एक्टिंग करने वाली है। जब उसे पता चला कि आशिका एक्टिंग करने वाली है, तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसे आज की पूरी बात याद थी कि कैसे आशिका ने उसकी बेइज्जती की थी। अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया था। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 110 सिद्धार्थ का दर्द। अब तक आपने सुना कि अथर्व और आदेश मिलकर मायरा के साथ प्रतीक की फीलिंग पता लगाने के बारे में एक प्लान बनाते हैं कि वह लोग प्रतीक को जलाएंगे, जिससे गुस्से में आकर प्रतीक अपनी फीलिंग बता देगा। प्लान बनाने के बाद अथर्व और आदेश अब वापस अपने घर आ जाते हैं। अब आगे, यह एक और डरावनी और अंधेरी रात थी निया के लिए। वह सो रही थी और उसकी आंखों के सामने सपने में फिर से एक बार उसके माता पिता की मौत का मंजर और वह आग में जलती हुई उनकी लाशें उसके सामने आने लगी। सपने में उसके पिता के हाथ पर जो टैटू था, वह किसी खिले हुए फूल की तरह दिखाई दे रहा था, जो नीली रोशनी में चमक रहा है। उसी भयानक सपने से अचानक माँ पापा कहते हुए निया की आँख खुल गयी और वह एक टक छत को देखने लगी। वह तकरीबन आधे घंटे तक उसी तरह छत को देखती रही। वह अपने होश में तब आई जब उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे। जब उसने टाइम देखा तो उसने उठने का फैसला किया। जब वह फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने देखा कि डाइनिंग एरिया में सिद्धार्थ और कैलाश जी बैठकर बातें कर रहे हैं, और जब उन दोनों ने निया को देखा तो चुप हो गए। कैलाश जी ने पूछा, तुम इतनी जल्दी उठ गए बेटा, कि हम दोनों ने तुम्हें जगा दिया? निया ने शांत भाव से कहा, नहीं, तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक है? सिद्धार्थ ने पूछा। उसने निया के चेहरे पर अजीब सी उदासी देख ली थी। निया ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस ठीक से सो नहीं पाई, वैसे बच्चे कहाँ है। आशिका फिल्म सेट के लिए सुबह ही निकल गई और अथर्वादेश वह अपनी दोस्त नया है ना उसके घर गए हैं। मुझे वह बच्ची की तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ खाना बनवा कर उनके हाथों उसके घर भिजवा दिया है, कैलाश जी ने कहा। कैलाश जी की बात से निया को याद आया कि कल अनाया और प्रतीक के बीच में क्या हुआ था, और उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। और वही सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप निया को देख रहा था। वह जानता था कि कल की इंसिडेंट के बाद निया बहुत डिस्टर्ब होगी और रात को सो भी नहीं पाई होगी। उसे ये भी डर था कि जल्दबाजी में आकर निया कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वह सुबह इतनी जल्दी आ गया था। जो वह नाश्ता लेकर आया था उसे खोलते हुए उसने कहा, क्या तुम नाश्ता करोगी? नाश्ता करने के बाद अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम फिर से सोने जा सकती हो। निया ने हाँ में सर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन निया अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। जब कैलाश जी ने देखा कि सिद्धार्थ कैसे निया की फिक्र कर रहा है तो वह खुश हो गए और उन्हें एक बार फिर से आदेश और अथर्व की बात याद आ गई। इसलिए उन्होंने कहा, मैंने कर लिया है, तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर उन्होंने सिद्धार्थ को देखा और वहाँ से चले गए। नेचुरली सिद्धार्थ जानता था कि निया के दादाजी क्या सोच रहे हैं। आफ्टर ऑल इतने टाइम तक वह कभी निया और सिद्धार्थ को एक साथ खड़ा होता हुआ भी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब वह उन दोनों को अलोन टाइम लेने के लिए वहां से चले गए। कैलाश जी के जाने के बाद उसने निया को देखा और कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी बहुत चिंता होती है। निया ने पहले सिद्धार्थ को देखा और फिर उस दिशा में जहां कैलाश जी गए थे, और फिर आंखें बंद करते हुए पूछा, क्या उन्होंने तुमसे कुछ पूछा? हाँ, वरना मैं इतनी सुबह सुबह यहाँ नाश्ता क्यों कर रहा हूँ? तो सिद्धार्थ ने भी उससे कहा। निया ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जो अपने बारे में गलत फहमी थी वह खत्म हो गई है। सिद्धार्थ जानता था कि निया टॉपिक बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह निया से इस बारे में बात करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी तरफ देखा और कहा, दूसरे लोग भले ही तुम्हारे चेहरे की झूठी मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई चिंता और दर्द न देख पाए, लेकिन तुम्हारे दादाजी सब कुछ जान जाते हैं।
निया भी यह बात जानती थी, इसलिए तो वह कैलाश जी के सामने अपनी इमोशन छुपाने की और कोशिश करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर कैलाश जी को इस बारे में जरा सी भी भनक लगी कि वह अभी भी अपने माता पिता की मौत का राज जानने की कोशिश कर रही है, तो वह अपनी कसम देकर या फिर किसी और तरीके से फिर से उसे इन सब से दूर ले जाना चाहेंगे। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उन्हें कुछ बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। उनकी अब उम्र हो चुकी है और उन्हें सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। अगर मैं उन्हें कुछ भी बताऊंगा तो सिर्फ उनकी चिंता बढ़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि उनसे छुपाना ही बेहतर होगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर निया ने एहसानमंद होकर उसे देखा और कहा, थैंक्स। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि तुम्हें मुझे किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। निया शांति से उसे देखने लगी। उसके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था कि सिद्धार्थ ने पहले ही कहा था कि उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी निया को समझ नहीं आता था कि क्यों सिद्धार्थ के आसपास होने पर वह इतना फॉर्मल बिहेव करती थी। आखिरकार जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ जानता था कि निया के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह बताना नहीं चाहती। सिद्धार्थ ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या कल जो कुछ भी हुआ उसका तुम्हारे माता पिता की मौत से कोई लेना देना है? सिद्धार्थ का सवाल सुनते ही निया अपनी जगह पर जम गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसका रिएक्शन देखकर कहा, इसका मतलब मैंने सही गैस किया था। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? निया की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे गौर से देखने लगा और उसने मन में कहा, मतलब निया पहले से ही जानती थी कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, मगर फिर भी इसने इस मामले में मुझे एक शब्द भी कभी नहीं कहा। कुछ देर तक निया को देखने के बाद सिद्धार्थ ने फाइनली जवाब दिया, मैंने तुम्हारे दादाजी से सुना कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि शायद इस सब का लेना देना तुम्हारे माता पिता से ही होगा। निया ने बस हाँ में सर हिला दिया। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन लोगों का तुम्हारे माता पिता की मौत से कोई लेना देना है? उसका सवाल सुनकर निया ने अपने ओठ दबा लिए। वह हिचकिचा रही थी और सोच रही थी कि वह उसे बताए या फिर नहीं बताए। आफ्टर ऑल यह उसका पर्सनल मामला था और वह किसी भी तरह के खतरे में सिद्धार्थ को नहीं घसीटना चाहती थी, क्योंकि जिन लोगों के साथ उसका पाला पने वाला था वह लोग कोई आम इंसान नहीं थे। अगर वह लोग सचमुच उसके माता पिता के गुनहगार और कातिल थे तो इसका मतलब कि अपने माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय का रास्ता बहुत ही खतरनाक और मुश्किलों भरा होने वाला है। वह अभी चुप थी तो सिद्धार्थ ने एक और सवाल किया, क्या ये सब उस टैटू की वजह से है? निया चुपचाप सिद्धार्थ को देखने लगी। उसकी आंखें डार्क थी। जब सिद्धार्थ ने निया की आंखों में शक देखा तो अपनी बात क्लियर करते हुए कहा, मैं कल घर छोड़ने के बाद वापस होटल गया था ताकि सर्विस कैमरा की फुटेज चेक कर सकूं। ओह, आई सी, निया ने सिद्धार्थ से कहा। और थोड़ी देर तक सिद्धार्थ को देखने के बाद निया ने कहा, सिद्धार्थ मैं जानती हूँ कि तुम बस मेरी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन यह मामला थोड़ा पर्सनल है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी आंखें छोटी करके पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया है और मेरे पर्सनल मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। निया की बातों से सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो? मैंने सिर्फ सच कहा है तुमसे। इसमें सच क्या है? निया, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हें परेशान देखकर मैं चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता, उसके बावजूद भी तुम अब मुझे खुद से दूर कर रही हो। सिद्धार्थ का सवाल सुनकर निया चुप हो गई। तभी सिद्धार्थ ने एक बार फिर कहा, अगर तुम मेरी मदद तभी लोगी जब मेरा तुमसे किसी तरह का रिश्ता होगा तो ठीक है, फिर चलो दोबारा शादी कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर निया की भौं सिकुड़ गई और उसे घूर कर देखने लगी, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। ऑफकोर्स, वह तुम्हारे रूम में है ना? इतना कहकर वह खड़ा हुआ और निया के रूम की तरफ जाने लगा। सिद्धार्थ को उस तरफ जाता हुआ देखकर निया भी जल्दी से उठी और उसके पीछे जाते हुए कहने लगी, सिद्धार्थ शांत हो जाओ। जैसे ही निया रूम में आई उसने देखा कि सिद्धार्थ उसका ड्राइवर ओपन करने वाला है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सिद्धार्थ क्या तुम शांत हो सकते हो? अगले ही सेकंड सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर पास के दीवार के सहारे उसे खड़ा कर दिया और अपने दोनों हाथ उसके बगल में रख दिया और उसकी तरफ देखकर उसकी आंखों में देखकर उसने कुंडली कहा, शांत हो जाऊं। काश कि मैं ऐसा कर पता नहीं, लेकिन अगर क्या मैं शांत हो गया तो तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगी? तुम कर दोगी, तुम मुझे दूर कर दोगी और किसी बाहर वाले की तरह ट्रीट करोगी, सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा।
नेहा ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा तो सिद्धार्थ की आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था, जिसे देखकर नेहा कुछ नहीं कह पाई। सिद्धार्थ ने उसका एक हाथ पकड़ा और अपने दिल के पास रखते हुए उसने कहा, क्या मैं अपना दिल निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूं? तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हूँ। दीवार के सहारे खड़ी नेहा ने सर उठाकर सिद्धार्थ को देखा। उसका हाथ सिद्धार्थ के दिल के पास था। वह महसूस कर सकती थी कि सिद्धार्थ का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल नेहा का नाम पुकार रहा है। इस बार वह सिद्धार्थ की फीलिंग पर शक नहीं कर सकती थी। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उस इंसान की आंखों में देखकर पता लगाया जा सकता है, और इस वक्त नेहा सामने खड़े इंसान की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार और सीरियसनेस देख सकती थी। लेकिन उसे इस बात पर अभी भी भरोसा नहीं था कि अगर एक बार फिर से वह दोनों एक हो जाए तो उनका रिश्ता कितना लंबा चलेगा, और क्या फिर से वह दोनों अलग नहीं हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात थी कि नेहा खुद से सिद्धार्थ को अपने करीब रखकर सिद्धार्थ को अपने बदले में घसीटना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पाला बहुत ही खतरनाक लोगों से पड़ने वाला है। वह पहले भी एक बार अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा चुका है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी, और नेहा इस बार सिद्धार्थ को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें सब चीजें यही खत्म कर देनी चाहिए। अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अच्छा, इसे खत्म कर देनी चाहिए, तुम्हारा मतलब क्या है? बहुत ही मुश्किल से नेहा ने कहा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। तुम किसी और को ढूंढ लो जो तुम्हारे इस एफर्ट और टाइम के बदले तुम्हें प्यार दे पाए। नेहा की आवाज इतनी शांत थी जिससे सिद्धार्थ की सारी उम्मीद टूट गई। उसने अपनी गहरी और डार्क आंखों से उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, क्या तुम सीरियस हो? नेहा ने शांति से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों? यहाँ किसी क्यों की जगह ही नहीं है। पास्ट में जो हुआ मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैंने कोशिश की थी मगर मैं नहीं कर पाई। इतना कहकर नेहा सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगी। इस वक्त सिद्धार्थ की आंखें ऐसी थी जैसे वह उसके शरीर को चीरकर उसका दिल और उसकी आत्मा खोजने की कोशिश कर रहा हो। लगभग 5 मिनट तक नेहा को उसी तरह देखने के बाद सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। उसने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, मैं समझ गया। इतना कहकर वह पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। कुछ कदम आगे चलकर वह गया और बिना मुड़े ही उसने कहा, कोई चीज नहीं है कि मैं किसी और को ढूंढ लूं जो मुझे प्यार कर सके। ऑल अबाउट कि मैं किसका प्यार अपने लिए चाहता था। इतना कहकर सिद्धार्थ बिना रुके वहां से निकल गया। जैसे ही सिद्धार्थ घर के बाहर जाने वाला था, घर का मेन डोर खुला और आदेश और अथर्व अंदर आए। सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदेश ने पूछा, आप अभी जा रहे हो? हाँ, सिद्धार्थ ने छोटा सा जवाब दिया। वह बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं था। क्या कुछ हुआ है? आदेश ने पूछा। उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नेहा की रूम की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, बस अपनी मॉम का ध्यान रखना। इतना कहकर वह बड़े बड़े कदमों से घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही आदेश और अथर्व एक दूसरे को देखने लगे। मुझे लगता है इन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ, अथर्व ने अंदाजा लगाते हुए कहा। आदेश मुड़कर नेहा के रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन अथर्व ने उसे रोक लिया और कहा, आप वहाँ क्यों जा रहे हो भाई? मैं मॉम से मिलना चाहता हूँ, आदेश ने बेचैनी से कहा। तभी अथर्व ने कहा, बाद में जाएगा, अभी उन्हें कुछ अकेले टाइम दे दीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको उनकी चिंता हो रही है और मुझे भी हो रही है, मगर मॉम और डैड का अभी साथ में झगड़ा हुआ है और मॉम को थोड़ी देर अकेला रहना चाहिए। जब वह शांत हो जाएंगे और हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे तब उनके पास जाएंगे, अथर्व ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। आदेश अभी भी नेहा के रूम की तरफ देख रहा था, लेकिन उसने अथर्व की बात मान ली। वही नेहा के रूम में सिद्धार्थ के जाने के बाद नेहा वही खिसकते खिसकते धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसे अभी भी सिद्धार्थ की आंखों में वह दर्द याद आ रहा था जो उसके शब्दों की वजह से सिद्धार्थ को हो रहा था। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तकरीबन 2 घंटे बाद नेहा ने खुद को संभाला और शावर लेकर तैयार होकर रूम से बाहर आई। तब उसने देखा कि आदेश और अथर्व लिविंग रूम में बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे देखते ही आदेश दौड़कर उसके पास आया और कहने लगा, मॉम। इतनी देर में नेहा ने खुद की इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, इसलिए उसने एक फिकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम लोग जल्दी आ गए, अनाया कैसी है? लेकिन नेहा की नकली मुस्कुराहट आदेश को धोखा नहीं दे पाई, लेकिन उसने फिर भी कुछ ना कहने का फैसला किया और कहा, अनाया ठीक है, गुड। नेहा ने हमें सर हिलाते हुए कहा, क्या आप बाहर जा रहे हो? आदेश ने जब नेहा को बाहर जाते देखा तो पूछा। नेहा ने कहा, हाँ, मैं काम पर जा रही हूँ, क्यों, कुछ काम है?
जब आदेश ने देखा कि उसकी मॉम नॉर्मल बिहेव कर रही है तो आदेश और परेशान हो गया। उसने पूछा, मॉम क्या आपके और इसके आगे वह कुछ कहता उससे पहले ही अथर्व ने आगे आते हुए कहा, जल्दी घर वापस आएगा मॉम। निया ने मुस्कुरा कर उसे देखा और उसका सर हिला कर वहाँ से चली गई। निया के जाने के बाद अथर्व ने मुड़कर अपने भाई को देखा और कहा, सिर्फ ये भाई, मुझे पता है कि आपको मोम की चिंता हो रही है, मगर कभी कभी हमें वक्त को देखकर चुकी रहना चाहिए। वह दोनों बहुत बड़े हैं, वह अपने मामले खुद सुलझा लेंगे। अगर हमको बताना होता तो वह हमें खुद बता देंगे। उसकी बात सुनकर आदेश ने खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें समझना होगा कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ उनके बारे में सोचने से। अथर्व ने कहा, अगर आप इस मामले से दूर नहीं रहोगे ना तो आप खुद मुसीबत में फंसा लोगे, और इन सब मामलों में आप बिल्कुल डैड की तरफ बिहेव करने लगते हो। चुप करो, क्या तुम्हें लगता है कि डैड ने ही कुछ किया होगा जिस वजह से मॉम गुस्सा हो गई है, आदेश ने पूछा। अथर्व ने बेबसी से सर हिलाते हुए कहा, क्लियरली भाई आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। आपने डैड के एक्सप्रेशन देखे थे, उनके एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चलता है कि मॉम ने इस बार कुछ किया है जिसकी वजह से वह बहुत गुस्सा है। अथर्व की बात सुनकर आदेश भी सोचने लगा और उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। अथर्व ने कहा, मुझे नहीं पता और मैं बड़े लोगों की प्रॉब्लम में पड़ने भी नहीं वाला। वह भी कहीं ही रहा था तभी उसकी फोन की नोटिफिकेशन टोन बजा। उसने फोन खोल कर देखा और एक्साइटेड होते हुए कहा, भाई देखो मॉम कल ऑनलाइन गई थी। क्या? हाँ ये देखो। इतना कहकर अथर्व ने अपना फोन आदेश को दिखाया। निया का ऑफर और उसकी टेक्स्ट देखकर आदेश भी कंफ्यूज हो गया। तभी अथर्व ने पूछा, आपको क्या लगता है कि मॉम इस टैटू डिजाइन के बारे में क्यों ढूंढ रही है। वह दोनों ही जानते थे कि निया ने बहुत टाइम से इस अकाउंट पर लॉग इन नहीं किया था, लेकिन कल न सिर्फ निया ने टैटू डिजाइन अपलोड किया बल्कि इनाम भी रखा और उसके अलावा पहली बार उस प्लेटफॉर्म पर मैसेज भी किया। ये सब देखकर उन दोनों को पक्का शक हो गया कि कुछ न कुछ तो चल रहा है। आदेश ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस मामले का मॉम के कल के बिहेवियर से कोई लेना देना होगा। वह तीनों अपने मॉम के नेचर के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए कल उन्होंने निया का डिस्टर्ब चेहरा भी देख लिया था। जबकि वह कितने भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर ले, लेकिन उन्होंने नोटिस कर लिया था। अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ऐसा हो सकता है, हम इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हमें इस मामले की तह तक पहुँचना होगा। आदेश ने कहा, आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जान के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।